स्मार्ट वॉच के इस ऐप के अंदर जो है ना वो एक नया अपडेट आया है। इस अपडेट के अंदर हमें इस ऐप के अंदर एक नई सेटिंग देखने को मिल रही है जिसका नाम है प्राइवेसी सेटिंग। इस प्राइवेसी सेटिंग ने आकर भाई हमारी लाइफ की प्राइवेसी में ना खलबली मचा दी है। तो चले इस प्राइवेसी ऑप्शन में ना करते हैं। क्या बोला तूने? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम हसन है और आज के वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं भाई हमारी स्मार्ट वॉच के इस आई वॉच प्रो ऐप के अंदर ना एक नया अपडेट है एंड उसके बाद हमारी स्मार्ट वॉच के ऐप के अंदर हमें एक नई सेटिंग देखने को मिल रही है जिसका नाम है प्राइवेसी सेटिंग। अब इसके हवाले से भाई लिटरली इतने कॉमेंट तुम लोगों ने कर दिए भाई ये सेटिंग आ गई है, इसके बारे में बता दें ओपन नहीं हो रही, भाई ये मसले मसाइल आ रहे हैं, भाई क्या करें इसका। चले यार इस वीडियो के अंदर ना हम इसी सेटिंग के बारे में बात करते हैं। अब ये जिस दिन ऑप्शन आया था ना मुझे इसके बारे में उसी दिन पता चल गया था भाई, मैंने देख लिया था, मुझे काफी लोग कॉमेंट्स करके बता रहे तक भाई नया अपडेट है इसके बारे में भाई वीडियो बनाओ, ये ओपन नहीं हो रहा हमारी स्मार्ट वॉच के अंदर। यार इसके ऊपर हम ना रिसर्च कर रहे थे कि भाई ये ऑप्शन जो है ना वो आखिर ओपन क्यों नहीं हो रहा। आप लोगों ने देखा होगा जब आप इस ऐप को ओपन करते हो, इस सेट में जाते हो, यहाँ पे जब इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ भी होता देखने को नहीं मिलता, ये सेटिंग जो है ना वो ओपन ही नहीं होती, चाहे वो आप अपनी स्मार्ट वॉच को कनेक्ट करो या फिर डिसकनेक्ट करो, इट डजंट फकिंग मैटर। और यही चीज मुझे काफी परेशान कर रही थी कि भाई आखिर ये ओपन क्यों नहीं हो रहा। ठीक है अंदर जो सेटिंग होगी ना होगी वो बात की चीजें हैं, बट ओपन तो हो। इसी वजह से मैंने एक दो स्मार्ट वॉच मंगवाई एंड उनके अंदर जो है ना वो कनेक्ट करके इस ऑप्शन को ओपन करने की कोशिश की एंड सेम रिजल्ट्स भाई ओपन ही नहीं हो रहा। मारो मुझे। उसके बाद मुझे ये चीज फॉर श्योर हो गई थी कि भाई ये एक बग है, बट मेक श्योर करने के लिए मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से बात की जो कि ऑलरेडी कंटेंट क्रिएटर्स ही हैं। उन्होंने भी मुझे यही बोला कि भाई ये एक बग है, ये प्रॉपर जो है ना वो भी फीचर लॉन्च नहीं हुआ। और देखो यार ये जो हाई वॉच प्रो एप्लीकेशन है ना जिन्होंने डेवलप किया है, इन्होंने पहले भी काफी ज्यादा फीचर्स ऐसे ही लाए हैं, उनके अंदर इनको बग्स देखने को मिले। इनफैक्ट जो रिसेंटली इनका अपडेट आया वो भी बग्स के ऊपर ही था, इन्होंने बग्स को ही फिक्स किया है। तो अभी ये वाला फीचर जो है ना वो प्रॉपर से आएगा, अभी इसमें टाइम लगेगा, नेक्स्ट अपडेट आएगा, मुझे उम्मीद है भाई ये चीज सॉल्व कर दी जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा ना वेट करना पड़ेगा। मैंने इनके जो भी डेवलपर्स थे ना इन ऐप्स के उनको मैंने मेल भी कर दिया है, तो उसका भी जब भी मुझे रिस्पॉन्स आता है आई विल लेट यू नो गाइस, अपनी वीडियो के अंदर बता दूंगा। बट नेक्स्ट अपडेट आने तक तुम लोग को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, हो सकता है भाई उसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए, ये वाला फीचर प्रोवाइड कर दिया जाए। एंड एज यू गाइस ऑल नो कि भाई हमारे मोबाइल के ऐप्स के अंदर जो व्हाट्सएप है उसकी भी प्राइवेसी सेटिंग्स होती है, टिकटॉक का देखा तो भाई उसके अंदर भी हमें प्राइवेसी सेटिंग्स देखने को मिलती है, तो उनके भी भाई हमें डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स दिए गए हैं कि भाई ये चीज हाइड कर लो या ये अनहाइड कर लो, लॉक कर लो या अनलॉक कर लो। तो आई थिंक भाई स्मार्ट वॉच के अंदर भी कोई ऐसा फीचर आने वाला है या मे बी जिनके अंदर आपको पासवर्ड की सेटिंग देखने को नहीं मिलती वो ये प्रोवाइड कर दे थ्रू दिस सेटिंग। हो सकता है ऐसा ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये भी हो सकता है भाई इस ऐप की कुछ प्राइवेसी सेटिंग्स का ही ये फीचर हो, बट फॉर श्योर हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते भाई, इसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब नेक्स्ट अपडेट आएगा या जब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ये चीज तभी पता चलेगी कि भाई इसके अंदर हमें कौन सा फीचर वो देते हैं। और ये एक छोटी सी अपडेट वीडियो थी जो भी ये अपडेट है इसके हवाले से, तो इसके ऊपर जब भी कोई भी भाई हमें पता चलता है इसके बारे में तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। हाँ ये मैं लाइक टारगेट भी रखना भूल गया हूं भाई, अब जो भी भाई देख रहे हो लाइक कर देना। चलो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं यार, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय पीस।